हाउ टू ऐड योर नेम ऑन आईफोन लॉक स्क्रीन एज वेल होम स्क्रीन। ऑलराइट गाइस, तो कैसे आप सेट कर सकते हैं, यानी कि ऐड कर सकते हैं अपना फेवरेट नेम आईफोन की लॉक स्क्रीन पर। फॉर एग्जांपल, इसमें आपका आईफोन और भी ज़्यादा बेटर लगता है यदि आप किसी को आईफोन देते हैं तो वहाँ पे आपका नेम मेंशन है, या फिर आप किसी का भी पार्टिकुलर पर्सन का नेम सेट कर सकते हैं, राइट। तो अभी आपको क्या करना है, इसके लिए आप सभी चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी ऑसम लगता है देखते हुए। और जैसे आप स्वाइप डाउन करते हैं तो आपको लेफ्ट या फिर राइट साइड किसी भी डायरेक्शन में आप इसको सेट कर सकते हैं, और जो भी आपको इमोजी सेट करना है वो भी आप सेट कर सकते हैं, राइट। तो बाय द वे दोस्तों, यदि आप जानना चाहते हैं मैं वॉलपेपर कहाँ से यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं आपको और भी दिखा देता हूँ। ऐसे ही मैंने काफ़ी सारे वॉलपेपर्स को डाउनलोड किया, आप सभी के सामने है, और ये देखते हैं कितनी ही हाई क्वालिटी में आपको ये वॉलपेपर देखने को मिल जाएंगे, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको चार्जेस पे नहीं करने हैं। तो ये मैंने एक एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया है, मैं आपको बता ही देता हूँ, फिर मैं शुरू करता हूँ इस वीडियो को। वन फॉर ऑल ये वाला आप एप्लीकेशन देख लें, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से जाएँ आप ऐप स्टोर पर, और ऐप स्टोर पर आपको यहाँ पर लिखना है इस तरीके से वॉलपेपर। तो जैसे आप वॉलपेपर लिख के सर्च करेंगे, आपको खुद ही एक एप्लीकेशन मिलेगी, थोड़ा सा नीचे जाएंगे ये वाली, इसका आप आइकन देख लिए, 4.7 की रेटिंग है। ये एप्लीकेशन बहुत ही ऑसम है, जस्ट 39 मेगाबाइट्स की एप्लीकेशन है, और इसके अंदर आपको बहुत ही 4K क्वालिटी तक आप वॉलपेपर्स को यूज़ कर सकते हैं, और सबसे बेस्ट ये बिल्कुल ही फ्री है, कोई पेड नहीं है, राइट। तो आप इसका इस्तेमाल कर लें, क्योंकि मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछते हैं कि भाई आप वॉलपेपर कहाँ से यूज़ करते हो, ठीक है, तो यहीं से मैंने इसको यूज़ किया है। अब बारी आती है दोस्तों, आप कैसे ये वाला नेम या फिर कहने की कोई भी नेम सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको अगेन ऐप स्टोर पर जाना है, यहाँ से आपको एक एप्लीकेशन की हेल्प लेनी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको लिखना है एनी टेक्स्ट, तो जैसे आप लिखेंगे, बाय द वे iOS 18 में आई थिंक ये डिफॉल्ट में मिलेगा, बट मैं आपको सभी आईफोन यूजर्स के लिए बता रहा हूँ, आप ये वाली एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें। जस्ट 3 MB यानी कि 3 MB की एप्लीकेशन है, आप इसका आइकन देख लें, इसको आप इंस्टॉल कर लें। मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ इसको डिलीट करके, सो दैट मैं आपको स्टार्टिंग से प्रोसेस बता पाऊँ, राइट। तो यहाँ पर हम इसको डिलीट कर देते हैं और अगेन इंस्टॉल कर लेंगे, और विद इन अ सेकेंड्स के अंदर ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉल हो गई है, ओपन करें, कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है, फिर गेट स्टार्ट पर यहाँ पे आपको नेम एंटर करना है, जो भी आपने सेट करना है। तो अभी आप देख पाएंगे यहाँ पे कोई भी नेम नहीं है, इस तरीके से आइकन आ रहा है, तो आपको जो भी आपने नेम यहाँ पे लिखना है वो आप टाइप कर दें। जस्ट एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपना ही नेम, ठीक है, तो आपको कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ से, आप अपना जो है जो भी आप यहाँ पर इमोजी लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं, और उसके बाद यहाँ से डन कर दें, और यहाँ पर इस तरीके से बैक कर दें। अब ये जो है जैसे बैक करेंगे, यहाँ पर आपको एक और काम करना है, आपको यहाँ पर विजिट 7 देखने को मिलेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पे भी आपको एक नेम टाइप करना है, सेम नेम टाइप कर दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको सेम नेम टाइप करना है, और अब आपको फिर से डन कर देना है, ओके कर दें, और इस तरीके से बैक कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे ना आपको वैसे विजिट 1 में ही आपको टाइप करना नेम, और चाहे तो आप विजिट 7 में भी कर दें। कई बार क्या होता है, अगर आप विजिट 1 में टाइप करेंगे नेम तो वो शो नहीं करता है यहाँ पे, तो इसलिए आप विजिट 7 पे भी कर देना, ठीक है। अब इसको बैक कर दें, बैक करने के बाद अब आपको प्रेस एंड होल्ड रखना है, या फिर इस तरीके से कस्टमाइज पे जाएँ, और इस तरीके से जाना है लॉक स्क्रीन पर, और यहाँ पे आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, आप सभी देखते हैं। यहाँ पे आएगा आपको एनी टेक्स्ट करके एक एप्लीकेशन आ जाएगी, या फिर यहीं पे आपको कहीं पे शो कर देगा। तो जैसे कि आप पहले कुछ ईमेल वगैरह या फिर कुछ भी और लगाना चाहते हैं वो लगा लें, फिर उसके बाद यहाँ पे ये लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी के सामने है, और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर आप इसका फ़ॉन्ट स्टाइल भी बदल सकते हैं। आपको फ़ॉन्ट स्टाइल बदलने के लिए क्या करना है, आपको अगेन एप्लीकेशन पर ही जाना है, और जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जाएँ, और इस तरीके से सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं इसको आप बोल्ड कर सकते हैं, और इस तरीके से आप इसका जो है स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सही लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से डन कर देना है, आप देख पाएंगे यहाँ पे, ओके कर दें, राइट। तो हम यहाँ पे जाते हैं होम स्क्रीन पर, आपके सामने है ये स्टाइल भी चेंज हो गया है और ये बोल्ड भी हो गया है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप किसी भी आईफोन में होम स्क्रीन पर अपना नेम सेट कर सकते हैं। अभी तीर हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइज़।